और उनके जो दादा थे वो थे जॉन स्टरवानी द फर्स्ट मेडिकल मिशनरी इंडिया फ्रॉम अमेरिका और वे अमेरिका से सबसे पहले आने वाले से मिशनरी थे जो भारत में आए after him his children and their children and their children's children have served in india as medical missionaries और उसके बाद में उनके बच्चे उनके बच्चों के बच्चे और उनके बच्चे आगे वे medical मिशनरी चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य किए भारत में in a span of 100 years this cadre family has given us 42 medical missionaries and more than 1000 years of service और इस जो आगे इस और जो सौ साल की जो कालावधि में जो है इस कडर परिवार ने हमें जो है बयालीस मेडिकल मिशनरी दिए है और हज़ार फोर्टी टू और हज़ार साल सेवा की दिए हैं सो आफ्टर डॉक्टर जॉन्स कडो वन सन जॉन्स टू सर्व इन इंडिया एज मेडिकल मिशनरी इन हिज डॉट इज आइडास कडर और हम देखते हैं जॉन स्कडर पहले जो है उनके बेटे ने भी काम किया है मेडिकल मिशनरी के रूप में फिर उसके आगे उनकी बेटी जो थी उन्होंने भी सेवा की भारत में so, Nadu, जो आइडा जो है आइडा स्कडर जो है उनके पिताजी तो एक ही ऐसे डॉक्टर मेडिकल डॉक्टर थे भारत के दक्षिण भाग में dindivanam Dindi vanam so uh, he would conduct open-air meetings where he would preach the gospel and after that he would throw down a white cloth on the ground and he would invite people who are sick among the crowd and he would treat them and, ha and conduct minor operations on them और वहाँ पर वे अपनी सभा रखते थे सभा के प्रचार के बाद में उसके बाद में वे एक सफ़ेद कपड़ा फेंकते थे ज़मीन पर और कहते जो लोग बीमार है वो वहाँ पर आए और फिर उनके ऊपर वो मुफ्त में उपचार या ऑपरेशन किया करते थे इट सीम्स लाइक आइडाज कडमिंग मेडिकल मिशनरी इज एन वेरी लॉजिकल स्टेप बट इट वॉज नॉट सो और मानो ऐसे दिखाई पड़ता कि जो आइडा ने जो मेडिकल मिशनरी का कार्य संभाला ऐसा दिखाई पड़ता कि स्वाभाविक बात है क्योंकि पितावे थे लेकिन ऐसा नहीं था। This is because when she was a kid, uh, she was exposed to a lot of death and poverty that she saw in our country. क्योंकि जब वो छोटी थी उसके सामने उसने नजरों से बहुत सारी मौतों को देखा था बहुत सारी गरीबी देखी थी हमारे देश में। और छे साल की उम्र में होते उसने ऐसा तय कर लिया कि मैं मेरे माता पिता के जैसे कभी मिशनरी का काम नहीं करूंगी Because the poverty and her helplessness overwhelmed her. एंडलेसनेस ओवरवे गरीबी और असहायता देखकर उसका हृदय आया।

Three men in a span of अफ hours knocked on her door. और तीन घंटे के समय में तीन पुरुषों ने उसके दरवाजों को a baby, and all three women were suffering from a difficult pregnancy. और ये तीनों पुरुष जो है उनकी पत्नी जो है बच्चा देने की बच्चा को जन्म देने की अवस्था में थे और तीनों की जो गर्भ की जो गर्भ अवस्था थी नाजुक थी गड़बड़ी वाली थी कस्टम नो मैन कैन कम अ अमन अनलेस इट्स और ब्रदर और जो है आइडा से कहा गया था आइडा ने कहा कि मेरे पिताजी को भेज सकते हूँ इलाज के लिए लेकिन उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि उनकी रीति रिवाज अनुसार कोई भाई पिता या पति के अलावा कोई और पुरुष को महिला के पास करीब आने की अनुमति नहीं थी आइडा आइडा फ्रस्ट्रेटेड और बहुत एक तरह से बेचैन देखकर अगले दिन जब उठी ये खबर सुना उसने कि तीनों महिलाएं जो है वो बच्चों के साथ उनकी मृत्यु हो गई और जब उसने अपने पिता पिता से कोई बात की तो पिता ने कुछ ऐसा कहा उससे उससे उसके में उसके में द्वारा उत्तेजना आ गई। और पिता ने कहा कि किसी कठिनाई से भरी परिस्थिति का इलाज करने के लिए आपके पास कुछ आप कुछ नहीं कर सकते हो तो बेहतर बात यह होगा कि आप उसे भूल जाएं। बट आईडा थेट लाइन इफ देस नथिंग यू कैन डू लेकिन आइडा ने इस शब्दों पर गौर किया कि यदि तुम कुछ नहीं कर सकते हो शी थॉट टू अल्फ देर इज समिंग आई कैन डू उसने अपने आप में सोचा की कुछ तो मैं कर सकती हूँ और वो सोचने लगी की यदि वो काशी डॉक्टर होती थे वो जाकर तीनों महिलाओं और तीनों बच्चों का जान बचा सकती थी that night she a that would her life उस रात उसने ऐसी प्रार्थना की उस उसके जीवन को हर दम के लिए बदल दिया गॉड इफ यू वॉन्ट मी टू आई विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ इन इंडिया ट्राइंग टू हेल्प दीज वीमेन और परमेश्वर यदि तुम चाहता है तो मेरे जीवन के बाकी दिन मैं भारत में रहूंगी और इन महिलाओं की मदद करूंगी So as a 26 year old she went to the US and she completed her medical degree. और 26 वर्ष की उम्र में वो अमेरिका लौटी और अपने मेडिकल की डिग्री उसने पूरा की. And when she ended it she ended it with a big dream to build a hospital for women. और जब उसने डिग्री का का अंत किया उसका अंत उसने एक बड़े सपने के साथ किया सपना ये था कि वो भारत में एक बड़ा अस्पताल खोलना चाहेगी.

लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिन्होंने दस हजार डॉलर दिए एंड वॉट ऑल द मेडिकल इक्विपमेंट नीड टू स्टार्ट दॉस्पिटल और उसने सभी उपकरणों का जो सभी चीजों की जरूरत है अस्पताल की शुरुआत करने के लिए उस पैसे से उसने खरीद लिया सो आईडा केम बैक टू इंडिया ऑन जान फर्स्ट नाइन नाइनटी और आइडा जो है भारत में लौट कर आई जनवरी के उन्नीस सौ नब्बे की सदी वर्ष में शी of mission एंड ऑफ मिशन और उसने भारत में एक नए साल की शुरुआत की और भारत में मिशन अस्पताल के एक नए दौर की भी शुरुआत की आफ्टर शीटर मेमोरियल हॉस्पिटल उसके बाद में उसने एक मेरी नाम की मेमोरियल uh, uh, अस्पताल की शुरुआत की she started something very unique called Roadside Clinics. और उसने कुछ अनोखी बात की शुरुआत की वो है रास्ते के बाज़ों में छोटे छोटे चिकित्सालय सो आइडा वॉन्टेड टू क्लोज द गैप बिटवीन पीपल फॉलोइंग और जो लोग बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ने के बाद अस्पताल में आने की इस दूरी को कम कराना चाहती थी आइडा सो शी दैट शी यूज दीज कैरेज पुल्ड उसने ऐसा निर्णय किया कि वह ऐसे गाड़ियों का इस्तेमाल करेगी जिसे बैल खींचते हैं उट टेबल और उसके अंदर जो है मेडिकल के सभी उपकरण उसके अंदर लगाए हुए थे और एक ऐसा मेज भी लगा था जिसे खींच कर निकाला जा सकता है सो शी वु मीट दीपल And they would come visit the और वो गाँव गाँव जाती नगर नगर जाती है लोगो से मिलती है और लोग वहाँ पर आते हैं अपना दवाई उपचार करने के लिए उसने इसका इस्तेमाल किया सुसमाचार का प्रचार करने के लिए और उसने रास्ते के छोर के सभी जो चिकित्सालय की शुरुआत तो इस प्रार्थना से करती और एक मसीही विश्वास के बारे में कोई भी सवाल या शंका हो लोगों के पास में तो उसके बारे में सवाल पूछने के लिए वो उन्हें अनुमति देती और जितनी जोरों से आइडा बीमारियों के साथ लड़ाई कर रही थी वो साथ में लोगों के लिए के जीवन में कितनी जानकारियाँ नहीं है इसके बारे में भी बातों को देखकर और संघर्ष कर रही थी For एग्जाम्पल as per the tradition, if you fall sick, they would not give you water or keep you out in the sunlight. और उदाहरण के लिए यदि आप बीमार पड़ गए लोगों की मान्यता थी कि वो आपको पानी नहीं देते ना ही आपको सूरज की किरणों के सामने रखते हैं। so idea came up with an ingenious plan. She called it the magic medicine. और आइडिया ने एक बहुत ही चतुराई से एक योजना बनाई और कहने लगी ये जादुई दवा है और वह पानी लेती वो बोतल के अंदर और उसके अंदर ये दो अलग अलग द्रव्य पोटेशम पर मैंगनेट और जिस तरफ मिलाकर उसमें डालती और वो नीला रंग होता और फिर लोगों को देती जो बीमार होते पीने के लिए After Ida observed the many diseases that were rampant in the country she knew that many more nurses and doctors were required in India और जब आइडा ने देखा कि भारत में इतनी सारी बीमारियां थी फैल रही थी तो उसे वो जानती थी कि भारत के लिए और ज्यादा नर्स और डॉक्टरों की जरूरत है So she conceived a dream which was the Vellore Medical School for women तो उसने इस सपने को जन्म दिया कि जो महिलाओं के लिए Vellore Medical School का

कॉलेज को बनाने के लिए य, योग्य होगा। believed, और जैसे उसने विश्वास किया था, परमेश्वर ने रास्ता खोला। 1912, और में जो है आइडा को अनुमति मिली जिससे कि वो कॉलेज की शुरुआत कर सके आइडा टू स्टार्ट शी नीडेड द परमिशन ब्राइसन और uh, uh, आइडा को इस कॉलेज को शुरू करके बच्चों को वहां पर शामिल करने के लिए दर्ज के उनका नाम दर्ज करने के लिए उन्हें कर्नल ब्राइसन से अनुमति लेना जरूरी था वॉज द हेड ऑफ द ब्रिटिश मेडिकल डिपार्टमेंट फॉर द मद्रास रीजन और मद्रास क्षेत्र के लिए जो ब्रिटिश मेडिकल का जो जिम्मेदारी उनके ऊपर थी वो मुख्य थे

आइडा उज ए स्ट्रिक्ट टीचर शी वुम स्टूडेंट्स टू परफॉर्म इन द मोस्ट एक्सलेंट वे और जो आइडा थी बहुत ही सख्त ऐसी शिक्षक थी, शिक्षिका थी वो अपने विद्यार्थियों को धकेल थी बेहतरीन करने के लिए समटाइम्स व्हेन द गर्ल्स फेंटेड फ्रॉम सीइंग द ब्लड शी वुड वेक दम अप खून को देख कर चक्कर आकर गिर जाते थे तो वो उन्हें दवाई देकर उठा कर दवाई देती और फिर से खड़ा करती खून को देख कर काम करने के लिए ऑन द डे वन दर्स्ट बैच ऑफ वुमेन मेडिकल स्टूडेंट वेर अप्योरिंग और पहले दिन जब उसकी जो मेडिकल जो विद्यार्थी है पहली बार वे अपनी परीक्षा देने वाले थे तो आइडा थोड़ी सी अपने हृदय में थोड़ी सी बेचैन थी पास आशा कर रही थी कि कम से कम कुछ तो विद्यार्थी पास हो जाएं। But it ended up बट each एंडेड एवरी गर्ल्स मेडिकल स्टूडेंट इन हर कॉलेज पास the एग्जाम लेकिन अंत में ऐसा हुआ कि उसके कॉलेज की हर एक लड़की विद्यार्थी जो है उसने मेडिकल एग्जाम को पूरी तरह से पास किया

In the year 1937. और mein the ठीक ठाक चल रहा था जबकि उसके जीवन में एक रुकावट आई were not affiliated to the University of Madras। और जो है भारत की जो नई मिनिस्ट्री थी जो सेहत से जुड़ी हुई मंत्रालय उसने जो है उन सभी मेडिकल कॉलेज को स्कूल को जो है बंद करने शुरू किया जो

और उस सपने में आइडा की जो विद्यार्थी थी एक बड़े बगीचे में खड़ी थी गार्डन देयर वर मेनी फ्लावर्स एंड अ वेल और उस बगीचे में बहुत सारे फूल थे और कुआं भी था एंड नेक्स्ट टू द वेल देयर वाज अ बिग पिचर बिग जार एंड अ स्मॉल जार और उस कुएं के बाजू में जो एक बड़ा ऐसा ऐसा एक बड़ा बर्तन था और एक छोटा बर्तन था

कैसे होगा यदि उन्होंने महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के लिए भी मेडिकल कॉलेज तो well, और जो है उन्होंने कहा कि इस ए, ऐसे करने से जो आइडा का उद्देश्य था वो कर, पूरा करती रह सकती वो काम कर सकती और उनका खुद का जो उद्देश्य था महिलाओं के लिए कॉलेज शुरू करना वो भी पूरा हो जाता अ हेडिसन टू मेक continue the medical college for women but risk closing it down or start a new chapter and open the college for men and women and पे व फ्यूचर फॉर द हॉस्पिटल और आइडा के सामने चुनौती थी कि या उसकी जो महिलाएं कॉलेज को जारी रखे और उसके सामने ये खतरा होता कि बंद पड़ने वाला है या इस महिलाओं की जो कॉलेज को बंद करके साथ में आगे स्त्रियों और पुरुषों महिलाओं और पुरुषों को दोनों के लिए कॉलेज की शुरुआत करे इसके साथ उसका स्वप्न भी बरकरार रहेगा आईडा रिम्बर और आइडा को स्वप्न याद हुआ की वो बड़े बर्तन को उठाएगी परमेश्वर पर विश्वास

और एक डॉक्टर थे जिनका नाम था रैम्बो और वे जो थे उन्होंने आंखों की जो जो शिविर है उन्हें उन्होंने शुरुआत की देयर वाज अ डॉक्टर कॉल्ड पॉल ब्रांड ही वर्कड ऑन लेप्रोसी पेशेंट्स एंड ही पायनियर्ड द मेडिकल प्रोसीजर ऑफ मेकिंग देयर लिम्स वर्क और जो है एक और डॉक्टर थे डॉक्टर पॉल ब्रांड जो थे वो कुष्ठ रोगियों के बीच में उनका इलाज करते थे और उन्होंने हाथ पैर को काम करने के लिए एक नए यंत्रों का उन्होंने शुरुआत किया उस काम को का उन्होंने आविष्कार किया एक तरह से Nichols, in और हम देखते हैं कि एक और डॉक्टर थी

और जब वो तीस साल की थी आइडा ने एक बच्ची को जो है गोद ले लिया और उसके बाद में जब वो लगभग 50 साल की थी उसने 30 बच्चों को गोद ले लिया था 6 से 16 की उम्र के बीच विद वन क्लिनिक बट शी वाज करेंटली रनिंग मेडिकल हॉस्पिटल फॉर मैन एंड वुमेन एंड हॉस्पिटल और जो है आइडा ने शुरुआत किया था एक मिशनरी की सेवा करते हुए चिकित्सालयों की छोटे शुरुआत की एक से लेकिन अब वो ऐसे अस्पताल का के लिए काम अस्पताल चला रही थी और स्त्री और पुरुषों के लिए भी कॉलेज चला रही थी i want to conclude by sharing about Aida's quote on the college that she was running. can we go to the last slide, please? this is ida quote. what you are building is not a medical school. it is the kingdom of god. don't err on the side of being too small. If this is the will of God that we should find some way to keep the college open, it has to be done. और उसका वक्तव्य यह था उसने यह कहा था कि जो जिसका तुम निर्माण कर रही हो वो एक सिर्फ मेडिकल स्कूल नहीं है ये परमेश्वर का राज्य है और अब छोटा करने की छोर पर जाने की गलती न करें क्योंकि यदि परमेश्वर की यह इच्छा है तो वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा इस कॉलेज को खुला रखने के लिए और ऐसा हुआ भी एज गॉड लॉर्ड वॉट इज योर विजन फॉर माई लाइफ और नौजवान युवक होने के नाते हमने परमेश्वर से पूछ सकते हैं कि प्रभु मेरे जीवन के लिए तेरी योजना क्या है क्यूँकि जब हमारे पास में दर्शन आता है तो हमारे जीवन में उद्देश्य भी आ जाता है और जब हमारे जीवन में उद्देश्य आता है तो हमारे जीवन में हमें दिशा भी मिल जाती है God can use each of us just like He used Ida. परमेश्वर ने जिस तरह से आइडा का इस्तेमाल करा, परमेश्वर हमें ऐसी हरेक का इस्तेमाल कर सकता है us so they can enter His kingdom. और हमारे द्वारा इतरो को आशीषित कर सके जिसके द्वारा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए But we need to be prepared. To do anything that God asks us to do. लेकिन हमने तैयार रहना है कोई भी काम करने के लिए जिसे करने के लिए परमेश्वर हमसे कह रहा है इवन एट इफ इट मीन टू थ्रो अवे आर प्लान चाहे ऐसा हो कि हमारी योजनाओं को फेंक देना पड़े तो भी थैंक यू धन्यवाद